हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस या इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस या फिर नेटवर्क डिवाइसेस। अब कंप्यूटर जब बाहरी दुनिया से कनेक्ट होगा या फिर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो उसमें कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। तो बहुत सिंपल है कि उसमें हम सिर्फ वायर से ही कनेक्ट कर दें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है और सब डिवाइसेस की, लेकिन ये वायर से हम एक लिमिट से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। वायर की भी कैपेबिलिटी होती है, एक डिस्टेंस के बाद सिग्नल वायर के थ्रू पूरा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बीच में कहीं वायर कनेक्ट भी करना पड़ेगा और सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो वीक होती है उसको भी हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमें इसमें कनेक्ट करने हैं तो कुछ न कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। डे टू डे लाइफ में हम बहुत नाम सुनते भी हैं, क्या कौन है, सबके फीचर्स क्या क्या हैं, आज का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारा यहीं से है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होती है नेटवर्क की जो होता है वो लैन कार्ड होता है। लैन कार्ड या फिर उसे बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है आपका। लैन कार्ड के नाम से भी ये फेमस है। ये पहले वाले कंप्यूटर जब असेंबल्ड होते थे तो अलग से लैन कार्ड हमें लगाना पड़ता था, उसी तरह से जैसे ग्राफिक्स का कार्ड होता था, VGA कार्ड जो होता था या फिर साउंड कार्ड होता था वो अलग से असेंबल में डालते थे। अब इनबिल्ट आने लगा है आजकल, लेकिन पहले नेटवर्किंग में कंप्यूटर कम यूज होते थे तो उस तरह से कंप्यूटर स्टैंड लान होता था तो कोई ज़रूरत उसकी होती नहीं थी, तो अलग से इसको ज़रूरत होती थी इसको लगवाता था। तो लैन कार्ड या NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये बहुत यूनिक सा होता है ये कार्ड। और इसमें एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है, वो 48-bit का होता है। तो वो पूरा 6 octant में हो गया एक तरह से, मतलब ऑक्टल 8-8-bit का एक कॉम्बिनेशन अलग अलग बन जाएगा, तो ऑक्टल डिजिट की तरह इसे लिखते हैं। तो 8-8-bit के कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो 48-bits हैं, तो कुल 6 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 8-8-bits के, और पूरा कंप्लीट 6 octant में इसका एड्रेस होगा, 48-bit का एड्रेस होगा, उसे मैक एड्रेस बोला जाता है जो इस पे होता है मैन्युफैक्चरर द्वारा। ये फिजिकल एड्रेस भी होता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर जिस पे हमने लगाया है NIC कार्ड या लैन कार्ड, ये उस पर्टिकुलर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। जब इस कंप्यूटर को दो ही कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो फिर सिर्फ दो ही पॉइंट से P2P कनेक्शन कर देते हैं सीधे वो स्टेट थ्रू केबल से, तो वो अलग होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें और भी ज़्यादा डिवाइसेज होगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं फिर आगे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये वेरी फर्स्ट डिवाइस इन द नेटवर्क डिवाइसेज, इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेज, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेज इज द लाइन कार्ड और NIC, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये होता है, मॉडम होता है क्योंकि इससे कि जैसे हम इंटरनेट वगैरह मॉड्यूलेट कर सकें, डीमॉड्यूलेट कर सकें। इसका मैंने शुरू में डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट में बताया भी था कि मॉड्यूलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डीमॉड्यूलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैरियर सिग्नल्स को दूर ले जाने के लिए डायरेक्ट जा नहीं सकता, तो इसलिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कैरियर सिग्नल्स के थ्रू जाता है, जो हमारा जो सिग्नल एक्चुअल जाना होता है डेटा का, वो कैरियर के सिग्नल के थ्रू जाता है, तो मॉड्यूलेशन होता है, फिर डीमॉड्यूलेशन होता है, तो ये मॉडम्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इनबिल्ट मॉडम्स भी आते हैं आजकल और उस तरह से भी अलग से भी लगता है। अब आ जाता है नेक्स्ट डिवाइस आपकी रिपीटर। रिपीटर जो होता है ये 2-port की डिवाइस है। रिपीटर जो होता है आपका 2-port डिवाइस होता है। 2-port मीन्स इसमें एक इनकमिंग होगा एक आउटगोइंग होगा, इसका कोई काम उस तरह से नहीं है। ये क्या करेगा, जो सिग्नल्स हमें थोड़ा सा कभी कभी कंप्यूटर हम कई कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा दूरी पे कंप्यूटर एक होता है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो बीच में सिग्नल वहाँ जाते जाते कम हो जाता है, अटेन्यूएशन की प्रॉब्लम आती है, तो क्या कर देते हैं वहाँ पे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को फिर से वापस जनरेट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए वहाँ पे एक रिपीटर लगा देते हैं जो कि फिर से सिग्नल्स जो था उसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, जो हमारा OSI के लेयर्स होते हैं उसमें जो फिजिकल लेयर है, मोस्ट बेसिक लेयर जिसमें सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा होता है, उस लेयर पे काम करता है फिजिकल लेयर पे रिपीटर। नाम से पता चल जा रहा है कि रिपीट कर दे रहा है, ये सिग्नल्स को रिपीट कर देगा, रीजनरेट कर देगा और सिंपली वो उसके बाद फॉरवर्ड कर देगा। इसके अलावा ये इंटेलिजेंसी इसके पास कुछ नहीं होती कि क्या किसको भेजा जा रहा है सिग्नल, ये उससे इससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट सबसे कम इंटेलिजेंट डिवाइस होती है कनेक्ट करने के लिए कंपोनेंट्स को, वो होता है रिपीटर। सिर्फ ये क्या करेगा, रिपीटर कि सिग्नल को रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। बीच में लगा है तो यूजर को नहीं पता होता कि रिपीटर कहाँ पर लगा है, उसे बस सिग्नल यहाँ जा रहा है वहाँ तक पहुँच गया, बीच में रीजनरेट होकर पहुँचा है तो इसलिए दूर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेता है वायर में। तो ये ज़रूरत तब पड़ती है, मान लीजिए कि 85 meter केबलिंग में यूज होता है, जो नॉर्मल हमारा UTP की STP केबल यूज़ करते हैं, 85 meter से डिस्टेंस नहीं कवर होता है, 85 meter पर रुक जाता है, तो जो केबल बेसिक वाले केबल्स होते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस में थोड़ा बहुत कहीं हो रहा है तो बीच में एक रिपीटर लगा देंगे जिससे वो थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर कर सके। तो रिपीटर का बस ये रोल है, ये 2-port का है, इनकमिंग आउटगोइंग, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब इसी रिपीटर से बनता अगला है, अगला पोर्शन आता है हब। ये रिपीटर और हब ये दोनों ही फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, चाहे रिपीटर हो चाहे हब।
दोनों किस पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे, मतलब सिग्नल से ही इनका लेना देना है, आगे फ्रेम से लेना देना नहीं है। तो हब क्या करता है, हब को बोला जाता है, हब का नाम है मल्टीपोर्ट रिपीटर, बस यही अंतर है इसमें। मल्टीपोर्ट रिपीटर होने का मतलब कि एक से ज़्यादा सिग्नल फ्यूज होते हैं, जब जिसमें स्टार कनेक्शन या सिम क्या होता है, कई पोर्ट्स को रिपीट करना है, मतलब रिपीटर का मतलब कई पोर्ट्स, रिपीटर ही है, बट उसमें ऐसा नहीं है, इसमें वन टू वन ही मैपिंग थी रिपीटर केस में, इसमें वन टू मेनी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसमें कोलूजन भी होगा कि वो जब आ रहा होगा सिग्नल्स वन टू मेनी होगा, तो वहाँ से इनकमिंग आउट गोइंग होगी, तो किसी एक ही लाइन पर जाएगा उस समय, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। और इसमें भी जो हब होगा, जो होता है मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, इस वाले केस में, हब के केस में तीन तरह के हब होते हैं। एक पैसिव होता है, हब होता है जो कि सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है, वो सीधे यहाँ से वहाँ तक फॉरवर्डिंग का टेक्निक से, क्योंकि हब के केस में क्या होता है, आपके पास हब जो होते होता है वो इस तरह से उसका कंप्लीट सेफ होगा। ठीक है, इसको मैंने पावर सप्लाई दिया, ये दीज आर द पॉइंट्स जो हब से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही हैं। अब यहाँ से हमने कोई कंप्यूटर कनेक्ट किया और इधर से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, बस ये है कि इसमें बाइफर्केशन होता चला रहा है, इधर से किसी कंप्यूटर से हम कनेक्ट किए हैं, इधर से आ रहा है, बट यहाँ से कंप्लीट दूसरे डायरेक्शन में, या फिर इधर से और भी कंप्यूटर जुड़े हैं ये, लेकिन एट अ टाइम सिग्नल्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं, 50% इधर है कि कोलिजन ना हो, तो कोलिजन को अवॉइड करने की ज़रूरत है इसमें। तो जिसमें पैसिव हब है वो सबसे कम एक्टिव होता है, उससे कोई मतलब भी नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंसी भी नहीं होती है, वो सीधे सीधे सिग्नल्स को जैसे है वैसे भेज देता है। एक्टिव हब क्या करेगा, वो रीजनरेट करके भेजता है बस, थोड़ा हब थोड़ा सा एक्टिव वाला होगा, रीजनरेट करेगा फिर भेजेगा, मीन्स सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। पैसिव हब कुछ स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ाता, वैसे ही भेज देता है, रिपीट नहीं करता पूरा कम्प्लीटली। और इंटेलिजेंट हब भी आते हैं कुछ, वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत इसमें ये भी देख देता है किस डायरेक्शन के जा रहे हैं सिग्नल्स, इनकमिंग आउट गोइंग जो सिग्नल्स है डेस्टिनेशन और सोर्स के, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंसी उसमें आ जाती है, इंटेलिजेंट हब इसलिए बोलते हैं। वो कभी 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 यार वो मैक की तरह काम करने लगता है, जो मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस है कंप्यूटर का, उस वाले को भी कवर करने लगता है, तो ये कहीं कहीं ये भी होता है। तो ठीक है, तो ये अभी आजकल रिपीटर और हब ने यूज होके मॉडर्न में, और दूसरी चीज़ यूज रही वो रही स्विच। तो अगली डिवाइसेज आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ इसकी ज़रूरत क्या है। तो आगे दो डिवाइसेज जो हैं आपकी ब्रिज और स्विच हैं, ब्रिज और स्विच जो होती हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। डेटा लिंक लेयर पे होने का मतलब फिजिकल लेयर तो कवर हो ही गया, और वो डेटा लिंक लेयर तक पूरा काम करेंगी, एक लेयर और। तो डेटा लिंक लेयर पे आते ही जो हमारा सिग्नल है वो फ्रेम के रूप में हो जाता है, क्योंकि हमारा ऊपर से पैकेट्स के रूप में आता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में होता है, फिर फिजिकल में सिग्नल में कन्वर्ट होकर तब फिर आगे फॉरवर्ड होता है। फिजिकल लेयर जो ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड है उसमें सिग्नल जो होता है डेटा सिग्नल्स के रूप में होता है, उसके ऊपर वाले लेयर में फ्रेम्स के रूप में होता है। तो जब इस वाले पोर्शन पे आएगा, ब्रिज वाले या स्विच वाले पोर्शंस पे आएगा, तो दो चीज़ें होनी है पूरा कंप्लीट। अभी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मैं एक डायग्राम से छोटा समझाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा समझ भी आएगा, ब्रिज हो या फिर जो भी हो। अब मान लीजिए आप OSI लेयर की तरफ से ही चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास, मैं सभी एप्लीकेशन हो गया, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये लेयर हो गया, और ट्रांसपोर्ट, और फिर इसके पहले नेटवर्क, नेटवर्क के नीचे आपका हो गया डेटा लिंक, और फिर सबसे नीचे हो गया फिजिकल। ये सेवन लेयर्स हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर में। एक इसी तरह से सेवन लेयर्स हमारा दूसरे भी कंप्यूटर में होगा, ठीक है, फिजिकल से। तो जब ये मैसेज जनरेट होता है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे, जो भी मैसेज जनरेट हुआ, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट पे हेडर्स लगते जाते हैं, यहाँ पे आके सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ डेटाग्राम्स में डिवाइड हुआ, यहाँ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाता है, यहाँ सिग्नल्स में। फिजिकल लेयर पे वो सिग्नल्स के फॉर्मेट होता है, तो जो यहाँ से जो पैकेट्स हमारा चला था यहाँ से यहाँ तक सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब हेडर टेलर लगते जाएंगे जिससे कि कंट्रोल हो, बीच में हमारे पास ब्रिज पड़ गया या फिर स्विच पड़ गया, तो ब्रिज स्विच होता गया है, तो क्या करेगा वो दो लेयर तक काम करेगा, फिजिकल और डेटा लिंक तक। मैंने बताया ना डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है ये दोनों, ये फिजिकल था तो सिग्नल आगे फॉरवर्ड होता हुआ चला गया था, क्योंकि उस केस में रिपीटर और हब था तो सिर्फ फिजिकल लेयर पे था, सिग्नल के साथ वर्कआउट किए, उसी को रीजनरेट किए फिर आगे बढ़ा दिए रिपीटर और हब के केस में।
लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि पैकेट फिर क्या होगा कि जब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ से पैकेट सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, तो इस वाले ब्रिज पे पहुँचेगा, या फिर ये स्विच है हमारा, तो स्विच ब्रिज होते के यहाँ भी डेटा लिंक लेयर के हैं, यहाँ पहुँचा होगा, तो ये पैकेट फिर से फ्रेम में वापस खुलेगा, सिग्नल से फ्रेम में कन्वर्ट होगा और वापस, और फिर इसके बाद में उसे चेक कर लेंगे कि हाँ एरर कंट्रोल ये सब चीज़ें देख लेंगे डेटा लिंक लेयर पे, यहाँ से यहाँ के लिंक के बीच में फिर से वापस वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा, तब आगे बढ़ेगा। तो ये दो लेयर तक काम करेगा, थोड़ा बुद्धिमान है वो, इसे आप समझ लीजिए कि वो पता देख भी लेगा, जो हमारे पास जो पैकेट्स आ रहे होंगे वो इस तरह का डाकिया है जो कि पढ़ा लिखा है, या फिर वो उस तरह का कुली नहीं है जो कि अनपढ़ है, सामान फेंक देना है फेंक दिया, वो फिजिकल लेयर का काम, सिग्नल्स यहाँ से वहाँ तक फेंक देना, वो रिपीटर और किस लेवल पर होता है आपका, हब लेवल पर होता है। ब्रिज स्विच लेवल पर थोड़ा सा बुद्धिमानी उसके अंदर है, वो क्या करेगा, वो कहाँ पर जा रहा है, किस शहर वाला बोगी है, किस में फेंकना है, किस वाले उसमें, वो थोड़ा बहुत जानता है, उतना ही तक देखेगा, दैट इज वो सिर्फ दो लेयर तक खुलेगा पैकेट, फिर से उतना बंद करेगा, वो ये चेक कर लेगा यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल आया है एरर कंट्रोल डेटा कंट्रोल है कि नहीं, फ्लो कंट्रोल बहुत तेज और ज़्यादा आ रहे हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो वो कंट्रोल कर लेगा फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, और एरर्स भी कुछ होगा, चेकसम वगैरह, चेकसम एक टेक्निक होती है जिससे ट्रेलर चेक कर लेते हैं, इतना करेगा फिर से फ्रेम को सिग्नल में कन्वर्ट करके तब आगे भेज देगा, उतना ही देखेगा, अभी मैसेज नहीं देखा उसने, क्योंकि वो हेडर और ट्रेलर किसका रखा है, सिर्फ डेटा लिंक लेयर का, तो वो सिर्फ एरर कंट्रोल वगैरह काम आता है, और इससे पता चल जाता है कि मैक एड्रेस से वो कहाँ पे जाना है, ये मतलब किस फिजिकल एड्रेस पे जाना है, बस वही जानता है, लॉजिकल एड्रेस नहीं, क्योंकि लाइनिंग में ही भी काम आ रहा है ये ब्रिज, ये तो ब्रिज जो स्विच जनरली लाइनिंग में ही काम आता है, जो इंटरनल कंप्यूटर में किस वाले कंप्यूटर की तरफ जाएगा इतना उसे पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस इसमें आ जाएगा हमारा डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस, तो ये इतना बुद्धिमान है कि इतना खोल के आगे बढ़ाएगा, ब्रिज स्विच इस पर काम करता है। तो इसमें से जो ब्रिज है वो लैन के दो पार्ट को कनेक्ट करने काम आता है, इसलिए इसे बोलते हैं टू पोर्ट डिवाइस, ब्रिज होता है टू पोर्ट डिवाइस, दो तरह के लैंस, लेकिन ये रिपीटर और इसमें अंतर है ब्रिज में कि रिपीटर काम करता है फिजिकल लेयर पे, बट ब्रिज किस पे करता है डेटा लिंक लेयर पे, उससे बुद्धिमान है बस, लेकिन वो टू पोर्ट को ही कनेक्ट कर रहा है, मतलब लैन का जैसे अगर एक पार्ट लैन का है दूसरा थोड़ा दूर पे दूसरे कमरा में बना रहे हैं, थोड़ा दूर बना रहे हैं, तो बीच में वहाँ तक सिग्नल ठीक से जाएगा नहीं, तो बीच में ब्रिज लगा देंगे तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ब्रिज के थ्रू, ब्रिज ज़्यादा करके ट्रांसपेरेंट ब्रिज ही होता है, इस तरह से लगा देते हैं, ब्रिजिंग करने काम आता है, थोड़ा डिस्टेंस पे लाइनिंग किया है हमने, एक जगह मान लीजिए 10-15 कंप्यूटर है, फिर एक जगह 10-15 है, तो बीच में ब्रिज के थ्रू आगे कर देते हैं, तो कोई एरर भी नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाता है, सिग्नल्स वहाँ वहाँ तक पहुँच भी जाता है, इसलिए काम आता है। और जो हमारा हब है वो जनरली 8-10 कंप्यूटर को ही कनेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा कनेक्ट जनरली नहीं कर, इसे नहीं करते हैं, ब्रिज में थोड़ा सा ज़्यादा दो लाइन कनेक्ट करने काम आ जाता है, ये टू पोर्ट डिवाइस है। और ये जो स्विच हमारा अगला डिवाइस है, इसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट ब्रिज, इसी को इसको क्या बोलेंगे, मल्टी पोर्ट ब्रिज, ये भी पूरा ब्रिज के ही तरह काम करेगा, बट स्विच क्या करेगा, मल्टी पोर्ट ब्रिज। तो अभी ये इंटेलिजेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी पोर्शन हमें कनेक्ट करने हैं, पूरा बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी हैं, तो कई बीच बीच में स्विचेज लगा देते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट भी होता है, एरर कंट्रोलिंग करता है, और चीज़ें सिग्नल आगे ट्रांसमिट होती चली जाती हैं। तो इसलिए आजकल जो डिवाइस यूज हो रहा है सबसे अधिक, वो स्विच ही यूज हो रहा है सबसे अधिक, ये हब और रिपीटर नहीं, ब्रिज नहीं यूज करके, ब्रिज कहीं कहीं यूज करते हैं, लेकिन सामान्यतः अब ज़्यादा करके स्विच यूज कर लेते हैं। स्विच में भी 8 पोर्ट का स्विच होता है आपका, 16 पोर्ट का, 32 पोर्ट का, इस तरह के स्विचेज होते हैं। 8 पोर्ट का है तो एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए, 6 हमारे पॉइंट्स बचे रहेंगे, 6 से 6 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं या 6 नोट्स बन सकते हैं। 16 पोर्ट का है तो 14 नोट्स बन सकते हैं, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग के लिए हो गया, क्योंकि वो ब्रिज का काम ही तो है, एक आया एक चला गया, दो पोर्ट का ब्रिज होता है, ठीक है। लेकिन ये स्विच का मतलब मल्टी पोर्ट ब्रिज हो गया, तो 16 पॉइंट होने का मतलब एक तो इनकमिंग एक आउटगोइंग के लिए हुआ, 14 ही पोर्ट बचा, या 32 है तो 30 बचेगा, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग के लिए रहेगा, तो 13 नोट्स और भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये बस मल्टी पोर्ट ब्रिज है जो कि डिफरेंट लाइन्स को, सिमिलर टाइप के लाइन्स को सबको कनेक्ट करने के काम आता है, और यही ज़्यादा यूज होता है ये सब चीज़ें, रिपीटर हब ब्रिज कम यूज होके, सबसे ब्रिज कहीं कहीं यूज भी होता है, अब ज़्यादा करके स्विच यूज कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी इंटेलिजेंसी हो और रीजनरेट हो जाए सिग्नल्स, और एरर्स कंट्रोलिंग रहे और अच्छे से फॉरवर्ड हो, तो ये पूरा यूज होता है स्विचिंग तक। तो ये दोनों डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेज हैं आपकी, ब्रिज और स्विच। रिपीटर और हब क्या थे आपके, फिजिकल लेयर के डिवाइस थे, वो कमेंट लीजिए। अब इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आ गया, वो क्या आ गया, राउटर। राउटर होता है होमोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एक तरह के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने काम आ जाता है ये, बाहरी दुनिया में से जो इंटरनेट की दुनिया है, जो TCP/IP बेस्ड है, उसको कनेक्ट करने के लिए राउटर होता है। ये लेयर 3 का स्विच है,
लेयर थ्री स्विच भी बोलते हैं इसीलिए इसको, मतलब लेवल थ्री तक काम करता है इस, इट मीन्स ये हमारा यहाँ से सोर्स सेंडर से रिसीवर तक अगर हम भेज रहे हैं और बीच में कहीं राउटर है तो वो दो लेवल तक नहीं काम करेगा। अगर राउटर मान लीजिए कहीं पे लगा है यहाँ पे चाहे यहाँ चाहे बीच में कहीं और पड़ा होगा, कई डिवाइसेज पड़े होंगे, तो वो तीन लेयर तक जाएगा फिर आएगा। तीन लेयर तक जाने का मतलब जो हमारे सबसे फिजिकल पे लेयर पे सिग्नल था और उसके ऊपर हमारा डेटा लिंक पे फ्रेम था, तो यहाँ पे आ जाएगा आईपी पैकेट्स, पैकेट के फॉर्मेट्स में हो जाएगा इंटरनेट, यही पैकेट्स है। इसी का फ्लडिंग करना होता है जो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी के लिए होता है, इस पे आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है। और यहाँ पे आते ही जो एड्रेस जो हो जाएगा वो लॉजिकल यूज करने लगेंगे, जो ही राउटर हम आ जाएंगे तो यहाँ आईपी एड्रेसिंग आ जाएगी, तो आईपी हो जाएगा। आईपी एड्रेसिंग का मतलब लॉजिकल एड्रेस, जिसको दुनिया जानती है, फिजिकली क्या लगा है वो नहीं, मतलब उसी आईपी से ही सब होता है, खाई इस वाले पर्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी क्या है, वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, आईपी एड्रेस जो होगा उससे जो लॉजिकल एड्रेस है, ग्लोबल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस उसे बोल सकते हैं, वो एड्रेस आ जाएगा इन्वॉल्व। तो जब ये कहीं इंटरकनेक्टिंग डिवाइस में आया करेगा तो वो थोड़ा और बुद्धिमान है, तो वो तीन लेयर तक ओपन करेगा, सिग्नल्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम को पैकेट्स में, तब देख लेगा कि उसमें किस, क्योंकि फ्रेम में कन्वर्ट होने को ये पता चल जाता है कि इस लाइन में लोकली किस वाले का फिजिकल एड्रेस है, और जब ऊपर आईपी पे आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा ये किस क्लास का एड्रेस है, कौन सा लॉजिकल एड्रेस है, बाहरी दुनिया के किस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, किस डोमेन में हमें भेजना है, किस सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो पता चल जाएगा, ये जो ग्लोबल एड्रेस है। तो ये राउटर थोड़ा सा और इंटेलिजेंस होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो सब टीसीपी आईपी ही होना चाहिए, सब जगह टीसीपी आईपी ही यूज होना चाहिए, पूरा इंटरनेट टीसीपी आईपी ही जनरली होता है, तो वहाँ पे काम आता है। ये ज़्यादा लेयर थ्री का है तो ये राउटर सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाता है, तीन लेयर तक काम करता है, ये कनेक्टिंग डिवाइस है, लेयर थ्री की डिवाइस है। इट मीन इसे किस लेयर पर काम करेंगे, ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, लेयर थ्री या फिर इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर बोलते हैं राउटर, ये काम आ गया, क्योंकि स्विच की तरह ही है बट ये लेयर थ्री का स्विच इसे बोलते हैं, इसलिए स्विच की तरह ही आगे फिर फॉरवर्डिंग है, लेकिन एक थोड़ा सा और इंटेलिजेंसी आ जाएगी, मल्टीपोर्ट ये भी रहेगा। फिर एक आता है ब्राउटर, ब्राउटर मीन्स ब्रिज प्लस राउटर, ब्रिज की पूरी कैपेबिलिटीज होंगी यहाँ से वहाँ तक कंप्लीट दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए, और राउटर तो रहेगा ही। तो ये कई बार ब्राउटर इस तरह से काम आता है कि एक लाइन को दूसरे वायर से कनेक्ट करने काम आता है, या फिर दो बड़े लाइन्स हैं दूसरे बिल्डिंग्स में हैं कंप्लीट इस तरह से वहाँ कनेक्ट करने काम आता है, लेकिन राउटिंग के साथ होगा, जिससे आईपी पैकेट जो आ रहे हैं वो उसको भी डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया जा सके, थोड़ी और इंटेलिजेंसी, ये भी कभी कभी यूज होता है, ब्राउटर वाई भी बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट लेवल पे जो होता है गेटवे, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं, या फिर एप्लीकेशन लेयर से लेयर सेवन स्विच बोलते हैं, ये इट इज़ ए हेट्रोजीनियस कनेक्शन आप नेटवर्क के लिए होता है, ये होमोजीनियस के लिए राउटर होगा, ये हेट्रोजीनियस मीन्स ये टीसीपी आईपी पे काम करेगा इंटरनेट की दुनिया पे, ये हो सकता है आईएसडीएन हो, सोनेट हो, एटीएम हो, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, फ्रेम रिले हो, और भी बहुत दूसरे डिफरेंट टाइप का उसको भी कन्वर्ट कर ले, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स जो होंगे उनको भी ये गेटवे कन्वर्ट कर लिया करता है। गेटवे है ही, रास्ता बता ही रहा है, इस तरह का गेटवे है जो कि किसी भी तरह का प्रोटोकॉल होगा कन्वर्ट करके ये। तो जनरली गेटवे राउटर के साथ ही लगा दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है, हार्डवेयर भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से गेटवे आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ही यूज करते हैं। उसे क्या करते हैं, जो राउटर लगा होता है उसी राउटर के साथ एक गेटवे लगा देते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से भी आ रहा हो तो उसे कन्वर्ट कर सके, इसलिए गेटवे को एक नाम और दिया जाता है, पॉपुलर नेम गेटवे का होता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। मीन्स अलग अलग तरह का आए तो उसे टीसीपी आईपी के मॉडल की तरह कन्वर्ट कर सके, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है, या फिर हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करने काम आता है, इसलिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है, कहाँ से आया है, किस तरह का है, सब कुछ कन्वर्ट करके टीसीपी आईपी का जो हमारा इंटरनेट का मॉडल है उसमें पूरा कन्वर्ट कर देता है, ये होता है गेटवे। तो ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो कनेक्ट होती हैं, एक टिपिकल मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिए ये राउटर है और इसी के साथ हम चाहें तो यहाँ पे गेटवे सेट कर सकते हैं कि वो होगा, तो राउटर के बाहर इधर हमारी बाहरी दुनिया है, आउटसाइड वर्ल्ड, जिससे कि राउटर कनेक्ट कर दे रहा है हमें आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड मीन्स जो हमारा कैंपस के बाहर की दुनिया है, इससे राउटर के थ्रू हम कनेक्ट हुए, ठीक है, ये राउटर से हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। इसके साथ गेटवे भी हो सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया का ये हो सकता है हमारा, जब इससे हम कनेक्ट हो गए तो गेटवे होने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा वो,
तो गेटवे भी वहाँ इसके साथ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन राउटर साथ लगा देते हैं। कई बार राउटर जो होता है कंप्यूटर ही बना दिया जाता है राउटर, ठीक है, कंप्यूटर भी राउटर की तरह काम कर सकता है, या फिर कोई एक सर्वर होगा वो राउटर की तरह हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमें इस तरह से जो दिख रहा है डिवाइस यही सिर्फ राउटर है, कंप्यूटर भी राउटर की तरह हो सकता है। कुछ भी किसी में कैपेबिलिटी जिस तरह कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी जो पूरा कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी हो वो राउटर हो सकता है, ठीक है। तो अब ये पूरा आउटसाइड वर्ल्ड से जब कनेक्ट करके आएगा, यहाँ से आ गए, तब यहाँ लोकल का मैटर आ जाता है, ठीक है। ये बाहरी की दुनिया है जो राउटर थ्रू कनेक्ट होके हम आ गए बाहर, TCP/IP की दुनिया। गेटवे तब होगा जब बाहर की दुनिया दूसरे प्रोटोकॉल की होगी। TCP/IP से है तो कोई दिक्कत नहीं, राउटर से काम हो जाएगा, गेटवे भी इंस्टॉल होगा तो उस पर ये हो जाएगा, ये राउटर हो गया। राउटर के बाद फिर आगे डिफरेंट स्विचेज हो सकते हैं। स्विच किस पे काम करता है? स्विच को बोला जाता है मल्टीपोर्ट ब्रिज, और ये किस पे काम करता है? आपका डेटा लिंक लेयर पे। तो डिफरेंट स्विचेज हो सकते हैं यहाँ पे। स्विच के बाद फिर हम ये देखते हैं कि एक स्विच से जाके फिर से हमने एक वो बना रखा है कि कंप्यूटर जिसमें हमें इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, हम इसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर, हब हो गया। हब के बाद फिर डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ जरूरत पड़ेगी कहीं रिपीटर यूज करेंगे नहीं इतने ही। और मान लीजिए दो पोर्ट पार्ट ऑफ लाइन हमें कनेक्ट करना है तो बीच में कहीं कहीं ब्रिज भी यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। एक टिपिकल नेटवर्क है, स्विच से हब जुड़ा है, एक हब दूसरा ये जुड़ा है, बीच में ब्रिजिंग भी कर सकते हैं, डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा वो, एक टिपिकल सिनेरियो है इस तरह से। लेकिन वो राउटर से कनेक्टेड है हमारा पूरा कैंपस के और डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स डोमेन्स को यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम एक बार आपको डिस्कस करेंगे। फिजिकल लेयर पर आपका डेटा सिग्नल्स के फॉर्मेट में होता है, डेटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम के फॉर्मेट में होता है, उसके ऊपर आपका इंटरनेट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, जो भी इंटरनेट लेयर TCP/IP में बोलते हैं, OSI में इसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ये इंटरनेट लेयर है, इस पर पैकेट्स IP पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है। तो डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, या MAC एड्रेस बोलते हैं वो होता है। लेकिन इस वाले नेटवर्क लेयर पर जो होता है आपका IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस होता है, या ग्लोबल एड्रेस उसे बोल सकते हैं जिसको हम जानते हैं। तो एक क्लास हम आपको IP एड्रेस का भी बताएंगे, कैसे कैसे क्या जानते हैं, डोमेन नेम सर्वर का भी वो क्लासेज अभी बाकी हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आपको, लेकिन अभी ये। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये पता है एंड टू एंड डिलीवरी होती है, प्रोसेस डिलीवरी होती है, इसमें पोर्ट नंबर आ जाता है। नेटवर्क पर हमारा IP एड्रेस था, यहाँ पोर्ट नंबर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर्स के जो भी एप्लीकेशन हैं HTTP FTP उनका पोर्ट होता है, सर्विसेज होती हैं उसे सर्विस बोलते हैं, ठीक है। HTTP की सर्विसेज, ये सर्विसेज सबका पोर्ट नंबर है, कौन किस पे काम करता है, कौन 8080 काम करता है, कौन किस पे करता है FTP सर्विस, वो सब है, ठीक है। तो इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन आपको एक आइडिया बेसिक ही होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस नेटवर्क डिवाइसेज, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेज जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब NIC और ये सब खरीदने की जरूरत आजकल नहीं पड़ती, सब इनबिल्ट होता है, मॉडर्न भी इनबिल्ट आने लगा है सब कुछ। ये है, ये रिपीटर और हब बहुत कम यूज होते हैं, सीधे सीधे ब्रिज कहीं कहीं यूज होता है, नहीं तो फिर सीधे सीधे हमें जरूरत क्या पड़ती है आजकल कंप्यूटर और सब कनेक्ट करने के लिए, स्विच की। कहाँ पे? जब कंप्यूटर कैंपस में नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं तो स्विच वगैरह से काम हो जाता है। फिर राउटर एक चाहिए बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, वहाँ से हमारा पॉइंट मिल जाएगा, वो ISP प्रोवाइड कर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो लोग जो होते हैं जिससे भी आप लेते हैं कनेक्शन वो प्रोवाइड कर देते हैं। सिंगल कंप्यूटर के लिए है तो कोई जरूरत ही नहीं है इन सब की, पूरा सब एक में इनबिल्ट होता है, सीधे एक मॉडम या राउटर होता है उससे कनेक्ट हो गया। और वो और जो ये राउटर्स या फिर ये सब होते हैं स्विच होते हैं, इन्हीं के साथ एक चीज़ और एसोसिएट कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है AP, दैट इज एक्सेस पॉइंट, जिससे कि हम वायरलेसली भी कनेक्ट हो सके उसी से, जो वाईफाई आप प्राप्त करते हैं। तो ये राउटर या स्विचेज पे क्या लगा दिया जाता है? AP एक्सेस पॉइंट, क्योंकि ऐसे स्विचेज जो कि राउटर की तरह होते हैं, राउटर भी होते हैं, ठीक है, उस तरह के भी होते हैं, और नहीं तो इस तरह से नॉर्मल राउटर भी हैं, वहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिससे वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट कर सकें। तो आजकल जो स्विचेज आ रहे हैं वो राउटर के ही कैटेगरी का रहे हैं, दैट इज़ Layer 3 के स्विचेज आ रहे हैं, Layer 3 स्विच आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस तरह से राउटर्स ना आके इसी तरह का ही रहा है। तो यहाँ पे भी सब जगह एक्सेस पॉइंट होता है जिससे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, प्रोटोकॉल्स कैसे मिलते हैं उन्हें, उसके भी कई तरीके हैं। एक स्टैटिक आप बाइंडिंग कर सकते हैं उसमें, स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब जो हम मैक वहाँ पर डिसाइड कर दें इस तरह का कि यही वाले पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरे नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी एक बना सकते हैं। और दूसरा DHCP बेस्ड होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो उसमें ऑटोमेटिकली कोई भी डिवाइस आएगी उस यूजर आईडी पासवर्ड थ्रू कनेक्ट हो जाएगी, वो एक अलग है। और एक दूसरा एकदम फिक्स कर देना जिससे कि दूसरा नया कोई नहीं कनेक्ट हो पाए। कभी कई बार ऐसी प्लेसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर वाईफाई के पॉइंट फिक्स वाले की जरूरत होती है, तो फिक्स रखते हैं दूसरा कोई नहीं कनेक्ट हो, तो सिर्फ उतने ही मैक हम जितना डाले रहेंगे, उसके अलावा कोई नया कनेक्ट नहीं हो सकता। जितने फिजिकल एड्रेसेज मीन जितने मोबाइल और जितने कंप्यूटर को हमने मैपिंग कर दी है वहाँ पे, वो रहेगा, अदरवाइज और नया कनेक्ट होगा। और दूसरा ये स्टैटिक वे में है, और दूसरा डायनेमिक में है, कोई नया भी कभी कनेक्ट हो सकता है,
ठीक है, तो वो क्या क्या होता है वो सब फीचर्स नेटवर्किंग का, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बस सिर्फ बता रहे थे नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या हैं और कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं, बेसिक आइडिया इसका। ठीक है, तो फिर अब आगे हम किसी दिन आईपी की क्लास या डीएनएस का थोड़ा बताएंगे आइडिया क्या क्या होता है। आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं अभी। थैंक यू।